क्या हाल है, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी सर, ये उमर बैठा हुआ, उमर सलाम कर दे। अस्सलाम वालेकुम हाँ, सर। वाले सलाम जी। आप की क्लास कैसे चल रही है? ठीक चल रहा है सब कुछ? तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, एवन आज हमारी जो है, आपने काम तो भेजा है, उसको मैं देख लूंगा तफसील से। तो ओके सर। बाकी अब आज हमारी है एग्जांपल्स हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। सर एक 2 मिनट, वो बाबर आता है। चले आने दे बाबर को ज्यादा, क्योंकि क्लास टाइम पे शुरू करनी है। 1-2 मिनट ऊपर भी हो जाए वो ठीक नहीं होता। कितना टाइम हो गया बाबर? कितनी देर लगाएगा? आ गया सर, बस आ गया, ये बैठा हुआ सामने। आपके साथ ही ये बैठा हुआ है? वो अपना उस पर नहीं आएगा, कनेक्ट नहीं करेगा अपना सेलफोन के साथ? आ गया सर, आ गया। वापस कर, यस सर आप स्टार्ट कराएं। आ गया, आपके साथ ही है? चलें वो भी कनेक्ट हो जाए, अपने सेलफोन से वो भी कनेक्ट कनेक्ट हो जाए ना, क्योंकि स्पॉटलाइट कर लेंगे उसको। उसका फोन किधर है अपने? उसको कह रहे हो कनेक्ट हो जाए ना, लिंक भेजा हुआ है ना। अच्छा सर, आप भी हो जाए, कनेक्ट हो जाए अपने फोन से, ताकि हम उसको स्पॉटलाइट करेंगे ना इसको। सर मैं कनेक्ट हूं। अपने आपका नाम तो इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा, आपका नाम नहीं आ रहा इधर। अच्छा कहाँ के सिर्फ है सर नाम? उमर नहीं है, नहीं सर उमर और बाबर दोनों का नहीं है, मेरा हुआ हुआ है, आपके साथ मेरे मोबाइल से बात हो रही है। वो आपका नाम नहीं, वो ठीक है, लेकिन बाकी तो कॉन्टेक्ट है, सेल फोन जो है हेलो बाकी का नहीं ना। चले बैलेंस चले शुरू करते हैं हम। सर, वो बाबर को आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम? वो अभी मुझे आ रही है, बाबर को नहीं आ रही। बाबर के यहाँ पे वो हमारे से कनेक्ट, हाँ अब हो गया, ठीक है अब हो गया कनेक्ट। अभी माइक इसका, हाँ बस ठीक है, अब ठीक है, अब हो गया कनेक्ट, ये अब इसलिए हो गया, ये बस ठीक है का जी। कैसे हैं बाबर, आप ठीक हैं? चले आज हम क्लास शुरू करें आगे। आज है माइक को जरा ऑफ कर दें जरा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल्स हैं आज हम, ठीक है? किसी का काम रह गया वो भेज दे, होमवर्क किसी रह गया वो मुझे भेज दे लाजमी। आज हमारे जो टेंस है वो 8वां टेंस है, आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल्स हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी एग्जाम्पल है आज।
चले मैं बोलूंगा, आप लिखते जाए, कोई मसला स्पेलिंग का मुझसे पूछ लीजिएगा। शुरू करें। जी सर। देखें कि दे हैड बीन वॉचिंग द टीवी सिंस 2015, they had been watching the TV since 2015. वो 2015 से टीवी देख रहे थे या देखते रहते थे। नेक्स्ट है ही हैड बीन शॉपिंग फॉर वन ईयर, ही हैड बीन शॉपिंग फॉर वन ईयर, वो एक साल से खरीदारी कर रहा था या करता रहता था। ही हैड बीन शॉपिंग फॉर वन ईयर, शॉपिंग की स्पेलिंग SHOPPING, डबल पी, ऐसे लोग सिंगल पी लगा रहे होते हैं, डबल पी इसमें शॉपिंग में। आगे है यू हैड बीन making tea for 1 hour, तुम एक घंटा से चाय बना रहे थे। You had been making tea for 1 hour, hour HOUR, ये चीज लिखते हैं बोलते नहीं है, फुल स्टॉप। इसके बाद है she had been doing homework since 6 AM, सिक्स डिजिट में, डिजिट जो होता है मैथमेटिक्स। वो 6 बजे से घर का काम कर रही थी। नेक्स्ट वी हैड बीन ट्रेवलिंग TRAVELING, सिंगल एल आता है, डबल एल नहीं आता इसमें, ट्रेवलिंग में सिंगल एल है। वी हैड बीन ट्रेवलिंग फॉर 5 months, हम 5 महीनों से सफर कर रहे थे या करते रहते थे। वी हैड बीन ट्रेवलिंग फॉर 5 months, फाइव लिखने हैं FIVE, 5 months। के बाद नेक्स्ट है I had been taking the medicine since afternoon, मैं दोपहर से दवाई लेता रहता था या ले रहा था। I have been taking the medicine since afternoon। आगे है नेक्स्ट it had been raining for 1 week, एक हफ्ता से बारिश हो रही थी, होती रहती थी। It had been raining for 1 week, week at WEEK, हफ्ता। इसके बाद है he had been walking walking in the ground He had been walking in the ground for 3 days. वो 3 दिनों से मैदान में चहलकदमी कर रहा था। He had been walking in the ground for 3 days. Next, she had been
रीडिंग अ बुक सिंस इवनिंग, वो शाम से किताब पढ़ रही थी. शी हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस इवनिंग. They had been winning the match. They had been winning the match. Winning with double N, WINING. They had been winning the match for some days. वो कुछ दिनों से मैच जीत रहे थे. They had been winning the match. They had been winning the match for some days. आगे है, we had been working. सर सर वो रेनिंग में डबल एन आएगा? नहीं नहीं, सिंगल होता है, सिंगल है. आर ए आई एन आई एन जी, आर ए आई एन आई एन जी. अच्छा आगे, we had been working in the office. We had been working in the office for many years. हम कई सालों से दफ्तर में काम कर रहे थे. We had been working in the office for many years. आगे लिखें, I had been going to college. I had been going to college since Monday. मैं सोमवार से कॉलेज जा रहा था. I had been going to college since Monday. College का spelling COLLEGE. आगे है, they had been taking the breakfast. They had been taking the breakfast for 5 years. वो 5 सालों से नाश्ता ले रहे थे या लेते रहते थे. They had been taking the breakfast for 5 years. FIVE, five. आगे है, he had been drinking water. He had been drinking water. सर आपने पिछला लिखवाया दे हैड बीन टेकिंग द ब्रेकफास्ट, उसके आगे क्या है? फॉर फाइव इयर्स, फॉर फाइव इयर्स. यस सर, अगला बोल रहे हैं. हाँ माइक को जरा बंद कर. अच्छा आगे, मैं भी आपको लिखवा रहा था. अब कौन सा था जुमला? ही आर ड्रिंकिंग. यस, वी है, ये है, वी हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर. वी हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 2019, पिछला साल गुजरा है जो 2019, हम 2019 से पानी पी रहे थे. आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट, he had been coming from Multan. He had been coming from Multan since night. और रात से मुल्तान से वापिस आता रहता था या वापिस आ रहा था. उदयनी से मुल्तान से वापिस आ रहा था. कितनी एग्जाम्पल हो गई हैं? हाउ मेनी एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल गिने कितनी होगी, काउंट करें. कितनी होगी? 12, 13, 15 सर. 15 हो गई है. चले पांच और कर लेना, फिर आप खुद बना लेंगे. बाकी सर मैं तरीके सिस्टम पता ही आपको सारा उसका. चले एक और लिखे, आपने पांच और कर लेते हैं. दे हैड बीन
they had been taking the rest. They had been taking the rest for 1 hour. वो एक घंटा से आराम कर रहे थे. They had been taking the rest for 1 hour. फिर आगे है, we had been losing the match. We had been losing, losing. We had been losing the match for 3 years. हम 3 सालों से मैच हार रहे थे. We had been losing the match for 3 years. Three, THREE. 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 3 years. अच्छा, इसके बाद है, I had been taking the lunch. I had been taking the lunch since Friday. मैं जुमा से जो है दोपहर खाना ले रहा था. I had been taking the lunch since Friday. आगे लिखें, he had been speaking for half an hour. वो आधा घंटा से बोल रहा था. He had been speaking for half an hour. आधा घंटा. हाफ एन आवर को रखवाया मैंने आपको ना कबरी में, आधा घंटा. हाफ एन आवर वो कबलरी में सर. हाँ, नहीं रखवाया? नहीं सर. ये लिख लें आप, हाफ एन आवर. इसमें जुमला है ना, इसमें शामिल करना है ना आपने. ये कबरी का वर्ड भी आपको हो जाएगा. हाफ, हाफ एन, ए एन, आवर, एच ओ यू आर, आधा घंटा. ये आपका है हाफ एन आवर. हाफ एन आवर. एक रहेगी एग्जांपल आपकी. जी हाँ सर. एक रहेगी ना. चलें देखिए. she had been speaking the truth. She had been speaking the truth for 1 month. वो एक महीना से सच बोल रही थी. She had been speaking the truth for 1 month. हो गया? यस सर. अब लिख लिया. समझने वाली है कि ये जो काम माजी में शुरू हुए और लंबे अरसे तक ये काम जारी थे, लेकिन किसी मखसूस मुद्दत या वक्त से ये काम शुरू हुए. अब ये आपने देखना है इस चीज को कि ये जो मैं आपको एक घंटा भी लिखवाया ना मैंने आपको, ये फॉर 1 आवर भी आपको लिखवाया या हाफ एन आवर भी लिखवाया, इसका मतलब ये है कि वो कितने आधे घंटे गुजर गए थे, कितने ही दिन, कितने महीने गुजर गए थे. बात समझिए ना आपको. तो वो रूटीन वो चली आ रही थी. मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये काम बहुत पुराने काम है जो लंबे अरसे से या लंबी मुद्दत से, लंबे अरसे या मुद्दत से या वक्त से जो माजी में जारी रहे. अब यह नहीं पता काम मुकम्मल हुए नहीं हुए, लेकिन ये यकीन है कि ये काम लंबे अरसे तक जारी थे किसी मखसूस मुद्दत या वक्त से. ये दो बातें यकीन से कही जा सकती हैं इस टेंस में. अब ये टेंस जो हमारा है, इंग्लिश का फार्मूला तो है लेकिन लैंग्वेज में ये बहुत कम इस्तेमाल होता है. जब लैंग्वेज वाली क्लास आपकी शुरू होगी उसमें ये ज्यादा इस्तेमाल इन टेंसेस का नहीं है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल इस लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश का फार्मूला है
सीखना, ग्रामर का फॉर्मूला है लर्न सीखना है। इसलिए अभी आपने इसी एग्जांपल बना लेनी है आपने, जैसे पता ही है आपको, जैसे कि ही हैड बीन विनिंग द मैच फॉर वन ईयर, शी हैड बीन विनिंग द मैच फॉर वन ईयर, दे हैड बीन विनिंग द मैच फॉर वन ईयर, वी हैड बीन विनिंग द मैच फॉर वन ईयर, आई हैड बीन विनिंग द मैच फॉर वन ईयर, यू हैड बीन विनिंग द मैच फॉर वन ईयर। यू का इस्तेमाल किया है नहीं किया इसमें एग्जाम्पल में? यू का यूज है? सबसे कम इस्तेमाल हुआ इसका यू का, एक ही दफा इस्तेमाल किया मैंने, है ना? यू की काफी, आपके काफी एग्जाम्पल हो गई है। यू हैड बीन विनिंग द मैच फॉर वन ईयर, आप एग्जाम्पल बनाए कितने बना सकते हैं, 50 करें, 60, 70 करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब तमाम जो है प्रोनाउन इस वर्ब के साथ हैड बीन का इस्तेमाल है, आसानी है आपको यहाँ पे। पहले परफेक्ट कंटीन्यूअस में मसला आ गया था हैज बीन और हैव बीन का मसला, हैज बीन ही शी रोड इट के साथ था, बाकी हैव बीन बाकी प्रोनाउन था, यहाँ सबके साथ हैड बीन है। ये आपको बाकी वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वही है सारी सूरत हाल, बाकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस फार का इस्तेमाल है, फार का मतलब से है, ठीक है ना? बाकी वो चीज़ें सारी वो सेम है, आगे हेल्पिंग वर्ब सेल्फ चेंज हुआ है, बाकी वो बाकी फोर्थ फॉर्म वहाँ पर भी यहाँ पर भी है, ठीक है ना? इन चीज़ों को देखें, पहचान का फर्क है, वहाँ रहा था रही थी रहे थे, यहाँ रहता था रहती रहते थे, ठीक है ना? तो ये वहाँ रहा हूँ यहाँ रहा था, ये फर्क है। तो ये आपका जी आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल भी हो गई है, ये आपने मुझे करके भेजना है होमवर्क, जितनी बना लें एग्जाम्पल भेज दीजिएगा मुझे बना के। तो अब हम शुरू करते हैं आगे वोकैबुलरी की तरफ आ जाते हैं, अब उसका टाइम है, वोकैबुलरी सेकंड जो पार्ट है क्लास का वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी वो वर्ड है जो स्क्रू स्क्रू हो गया ना, स्क्रू पेच, क्यों भाई सर? स्क्रू ड्राइवर हो गया था, हो गया स्क्रू नहीं हुआ था, स्क्रू वही पेज होता है ना, स्क्रू नहीं हुआ था कौन सा सर? स्क्रू, ये स्क्रू केला स्क्रू नहीं हुआ, हाँ वो कल नहीं हुआ, वो कल नहीं, वो पेज है, स्क्रू होता है पेज, एस सी आर ई डब्ल्यू, लोग इसको स्क्रू बोलते हैं, गलत बोलते हैं, स्क्रू है, स्क्रू पेज। टूल बॉक्स है, औजारों का जो बक्स होता है, टूल बॉक्स, औजारों का संदूक, औजारों का संदूक, बॉक्स होता है संदूक, टूल बॉक्स। फिर एक वर्ड है हमारे पास, वो है मेरिट, मेरिट कहते हैं इंसाफ या मयार, इंसाफ नहीं है मयार, सरकार लिया मेरिट, मेरिट हो गया था, अच्छा यस सर, रिकमेंडेशन हो गया था, करप्शन ब्राइब हो गया था, यस सर करप्शन भी हो गया है, ब्राइब भी हो गया है, गुड डीड्स, इवल वेज, इवल वेज बुराइयां, इवल वेज, ये लाइट लिखा है, इवल वेज, ई वी आई एल और वेज बुराइयां,
इवल वे कहते हैं बुराइयां, बुरे काम जो होते हैं बुराइयां, इवल वेज। और बैड डीड्स भी कहते हैं बुरे काम या बुराइयां, बैड डीड्स, ये भी वही है बुराइयां। गुड डीड्स कहते हैं नेक काम, गुड डीड्स नेक काम। गुड डीड्स नेक काम। सर इवल वेज का क्या मतलब है? बुराइयां, बुरे काम, जो गुनाह करते हैं लोग, बुरे काम करते हैं, वो इवल वेज होती हैं, बुराइयां माशरे में जो आ रहे हैं। बैड डीड्स भी बुराइयां है, बुरे काम है, गुड डीड्स नेक काम है। चले आगे, हो गया? सिन कहते हैं गुनाह, और सिनर है गुनाहगार, सिनर गुनाहगार, जो गुनाह करने वाला होता है उसे सिनर कहते हैं, गुनाहगार। फॉल्ट कहते हैं नक्स, फॉल्ट कि मशीन में फॉल्ट हो गया है। दूसरा फॉल्ट होता है कसूर, ये मेरा क्या फॉल्ट है, कसूर क्या है, फॉल्ट। फिर एक वर्ड है गार्डन। सर फॉल्ट का आपने कसूर लिखा है और दूसरा लफ्ज कौन सा लिखा है? नक्स, नक्स जिंदगी में नक्स हो जाए कहते हैं फॉल्ट हो गया। और लोग कहते हैं किसी कसूर हो जाए कहते हैं मेरा क्या फॉल्ट है, किसी को कुछ कहे बंदा कहे मेरा क्या फॉल्ट है भाई। गार्डन कहते हैं बाग, गार्डन है बाग। फ्लावर बेड्स कहते हैं फूलों की क्यारियां, फ्लावर बेड्स फूलों की किनारे, फूलों की क्यारियां, फूलों की क्यारियां, फ्लावर बेड्स फूलों की क्यारियां। सीड्स कहते हैं बीज, सीड बीज, जिसकी वजह से पौधा जो है, बीज जब बोते हैं तो पौधा निकलता है, पौधा होता है प्लांट, पौधा है प्लांट, प्लांट कहते हैं पौधा, PLANT प्लांट। सर ये फ्लावर बेड्स के बाद क्या है? सीड, सीड बीज, SEED सीड, जो बीज होता है जैसे पौधा के लिए बीज उगाते हैं ना, पहले बीज बोते हैं जमीन में, सीड SEED प्लांट पौधा, जब सीड बोते हैं तो फिर प्लांट निकलता है। हो गया, कितने हो गए वर्ड आपके पास? बारह, 12, 3 वर्ड लेफ्ट। अब 12 की इंग्लिश क्या पता है आपको? दर्जन की इंग्लिश क्या होती है? दर्जन की इंग्लिश क्या है? दर्जन की इंग्लिश लिखवा दूं, एक दर्जन
ए डजन इंग्लिश में कहते हैं इसको, ए डजन, एक दर्जन, ए डजन, एक दर्जन, ए डजन, एक दर्जन। पॉवर्टी कहते हैं गुर्बत, पॉवर्टी गुर्बत, जहां पर अफलास हो, भूख हो, कहते हैं वहां पॉवर्टी है। हमारे मुल्क में बहुत पॉवर्टी है, गुर्बत बहुत ज्यादा है। हमारे मुल्क में प्रॉस्पेरिटी जो है वो बहुत कम है, खुशहाली। प्रॉस्पेरिटी इसका अपोजिट है पॉवर्टी का, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली बहुत कम है। प्रॉस्पेरिटी खुशहाली। ठीक है, सर जी, पोवेरिटी का प्रोनाउंसिएशन बताएं। किसका? पोवेरिटी, पॉवर्टी, पॉवर्टी, पावर, पावर नहीं बोलते, ताकत, कुवत, पावर, वही पावर है ना, ये स्पेलिंग बस फर्क है। पॉवर्टी, पॉवर्टी, आगे प्रॉस्पेरिटी, ये वर्ड अच्छी तरह आप इसको अपने होमवर्क करने में भी भेजना है, तीन बताओ करना है अपने एज यूजुअल इसको, और अभी आप इसको देख लें, अभी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे पूछूंगा अभी आपसे, अब देख के विषय बताइए कि लेंगे इसकी मेन चीज़ एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन आपको सही होनी चाहिए, आपको याद हो जाए, इसको देखें जरा, अभी पूछूंगा आपसे, दो से तीन मिनट बाद देख लें इसको, दो तीन मिनट देख लें, फिर मैं आपसे इसे प्रैक्टिस करवानी है आपसे ज़रा। लैंग्वेज फिर हो गए मसला ना हो, प्रॉब्लम आपको वहां मसला ना होना चाहिए, आपको पहले सही एक्सेंट हुआ तो परेशानी आपको हो जाएगी। शुरू करें सर, ये क्या है? पॉवर्टी, 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 पावर, पॉवर्टी, और उसके नीचे पॉवर्टी, और उसके बाद नीचे प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी बोलता हूँ ना आपके सामने वर्ड, प्रॉस्पेरिटी। देखें अब मैं उर्दू बोलूंगा, इंग्लिश बोलूंगा ताकि आपकी एक्सेंट, आपके जो है प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, आपका एक्सेंट ठीक हो। बोलें शुरू से, बताएं उर्दू में, बताएं मुझे, अरशद या आप या उमर या बेच जी, पेच, पेच क्रू, आगे औजारों का संदूक, टूल बॉक्स, मेयार, मेरिट, वो तो हो गया था ना, बुराइयां, मेरिट, आगे क्या, बुराइयां, इवल वेज, बुरे काम, बैड डीड, बैड डीड, नेक काम, गुड डीड्स, गुनाह, क्या है, गुनाह, गुनाह है, सिन, गुनाहगार, सिनर,
नुक्स कसूर नक्स नक्स कहते हैं नुक्स नहीं नक्स नक्स दूसरा वर्ड है कसूर फॉल्ट बाग गार्डन फूलों की क्यारियां फ्लावर बेड बीच सीड पौधा क्या है पौधा 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 है प्लांट जी जी एक दर्जन ये है एक दर्जन ए डजन गुर्बत पॉवर्टी और खुशहाल खुशहाली खुशहाली है प्रॉस्पेरिटी पूरे हो गए हाँ जी पॉवर्टी है गुर्बत प्रॉस्पेरिटी खुशहाली पॉवर्टी क्या है गुर्बत है और प्रॉस्पेरिटी जो है वो खुशहाली है इसको मैं आपसे पूछूंगा आपसे आपसे देख लें इसको बल्कि आप देख के बता दें दादा वेब पैट्रीज आपकी हो जाएगी तो मैं आपसे पूछता हूँ उर्दू में या इंग्लिश में बताएं आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो जाएगी आपकी देख के जरा बताएं बेशक कोई मसला नहीं है जी मुझे बताएं बाबर सर, बाबर आप बताएं मुझे गुर्बत की क्या इंग्लिश है सर किसकी गुर्बत सर पॉवर्टी 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 बोले सर बोले पॉवर्टी सर पॉवर्टी पॉवर्टी यस पॉवर्टी आप बताएं उमर खुशहाली की क्या इंग्लिश है खुशहाली की सर प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल ठीक है और अरशद आप मुझे बताएं बाग की क्या बाग गार्डन गार्डन है और फिर बताएं बाबर खान एक दर्जन की क्या एक दर्जन सर आ डजन ए डजन ए ए डजन और फिर मुझे बताएं उमर फूलों की क्यारियां फ्लावर बीड्स फ्लावर बेड्स बेड्स फ्लावर बेड्स बेड नहीं होते हैं हमारे घर के बेड जैसे वही है ना फ्लावर बेड्स फ्लावर बेड्स फ्लावर बेड्स है जी तो फिर यह है अक्षत यस सर अक्षत आप मुझे ये बताएं कि औजारों का संदूक टूल बॉक्स टूल बॉक्स है उमर बताएं पेच स्क्रू स्क्रू स्पेलिंग एस सी आर ई डब्ल्यू स्क्रू स्क्रू ठीक है और वर्ड कौन से थे आपके पास लगे। सर और है बुराइयां बुराइयां है क्या है बुराई के बताओ Evil ways. Evil ways. बुरे काम Bad deeds. और नेक काम Good deeds. Good deeds. गुनाह Sing. गुनागार Singer. Singer. गुनागार Singer. S A double N E R. अच्छा मुजरिम सर मुजरिम को क्या कहेंगे जी मुजरिम जो होता है मुजरिम क्रिमिनल अच्छा क्रिमिनल उससे सिंगर नहीं कह सकते क्या कहते हैं जिस तरह गुनाह उसने भी तो गुनाह ही किया होता है ना उसे सिंगर नहीं कह सकते नहीं, 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 सिनर सिनर है, सिनर. नहीं, नहीं सिनर तो देखो सिनर. उसे हम जब मुजरिम जो होता है कानून की नजर में उसे मुजरिम कहते हैं ना ये तो अल्लाह हिसाब करेगा ना हिसाब देखा जाए ज्यादा लोग सिनर ही है ठीक है ना लेकिन जब अदालती में कहते हैं जबान में बता क्रिमिनल है ठीक है ना क्राइम जो करता है वो क्रिमिनल है कॉन्विक्ट मुजरिम जिस पर जुर्म साबित हो जाए वो उसे कहते हैं कॉन्विक्ट मैं कल याद करने कल करवाऊंगा ठीक है यस सर याद करने पहले ये वर्ड कर लेंगे तो ये जो है सिनर जो है मतलब इस्लाम की हमारे दीन की ना रोशनी में मतलब गुनाहगार जो है गुनाह करने वाला सिनर गुनाहगार और लोग क्या सीन करते हैं गुनाह करते हैं तो गुनाह करने वाला बंदा जब सिनर बन जाता है सिनर गुनाहगार Yes, sir. जी अब आप ऐसे करें कि मुझे सिर्फ इंग्लिश में आप सब बोलें
एक एक करके ना, उमर आप बताएं पहले, मैं बोलता हूँ सर, पहले उमर अरशद या एक एक करके लाल, फिर ये बाबर आप बोलें, शुरू करें सर। मैं बताता हूँ सुने जी, स्क्रू जी, टूल बॉक्स, मेरिट, इवल वेज, बैड डीड्स, गुड डीड्स, सीइंग, सिनर, फॉल्ट, गार्डन, फ्लावर बेड्स, सीड प्लांट, आ डजन, पावरिटी, प्रॉस्पेरिटी, एट डजन, पावरिटी, पावर्टी, और उसके बाद प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, प्रोस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी जी, प्रॉस्पेरिटी शब्द है जी सर। जी सर जी, आप शुरू करेंगे इसमें सिर्फ, स्क्रू, टूल बॉक्स, इवल वेज, बैड डीड, गुड डीड, सिन, सिनर, फॉल्ट, गार्डन, फ्लावर बेड्स, सीड्स, प्लांट, ए डजन, पावर्टी, प्रॉस्पेरिटी। यस जी बाबर सर, स्क्रू, टूल बॉक्स, इवल वेज, बैड डीड्स, गुड डीड्स, सिनर, फॉल्ट, गार्डन, फ्लावर बेड्स, सीड, प्लांट, ए डजन, पावर्टी, प्रॉस्पेरिटी। गुड, अब इन वर्ड को आप यूज भी किया करें अपने टॉकिंग में, लोगों से बात करते हुए यूज भी किया करें, ताकि लैंग्वेज में आपको आसानी आगे जाके हो जाएगी, प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो आपका फायदा है। ठीक है, फिर प्रैक्टिस करें, फिर मैं तो कोई बात तो नहीं, सवाल तो नहीं आज क्लास के हवाले से? नो सर, कोई सवाल नहीं है, बट ठीक है फिर क्लास खत्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। होमवर्क मुझे भेजे करके आप, ठीक है, ठीक है, नहीं भेजा वो भी भेज दें पिछला जो है कोई, ठीक है, ओके ओके सर, क्लास इज गोइंग टू एंड नाउ, विश यू गुड लक, अल्लाह, ओके, टेक केयर ऑफ यू, टेक केयर ऑफ।